कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला को फजर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में बैठे हैं, लोग हाजिर हैं, अल्लाह के कुरान की बातें सुना रहे हैं, रब के महबूब की बातें इरशाद फरमा रहे हैं। जब सूरज तुलू हो जाता है, कुछ वक्त गुजर जाता है, तो फिर ऐलान करते हैं हमारे इस मजमे से वो बंदा उठ जाए जिसने किसी रिश्तेदार से रिश्ता काटा हो, हमारे इस मजमे से वो बंदा उठ जाए जिसने किसी रिश्तेदार से रिश्ता काटा हो, फिर तीसरी बार ऐलान करते हैं हमारे इस मजमे से वो बंदा उठ जाए जिसने किसी रिश्तेदार से रिश्ता काटा हो। अर्ज की जाती है ये सहाबी रसूल आप ये क्या फरमा रहे, क्या बताए? इरशाद फरमाते हैं हम एक दफा अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अहकाम बयान फरमाए, अब फिर फरमाया हमारी इस मजलिस से वो उठ जाए जिसने किसी रिश्तेदार से रिश्ता काटा हो, हमारे इस इज्तिमा से हमारी इस मजलिस से वो बंदा उठ जाए जिसने किसी रिश्तेदार से रिश्ता काटा हो, हमारी इस मजलिस से वो उठ जाए जिसने किसी ने किसी से रिश्ता काटा हो। क्या इरशाद फरमा रहे, क्या हिकमत है? इरशाद फरमाया जिस मजलिस में कोई ऐसा शख्स बैठा हो जिसने किसी रिश्तेदार से रिश्ता काटा हो, अल्लाह पाक उस मजलिस पर रहमत नहीं फरमाते, लिहाजा मैं चाहता हूं दुआ मांगू कोई ऐसा ना बैठो जिसकी वजह से हमारी दुआ रद्द कर दी जाए, रब की रहमत ना उतरे। आज हम सोचे घर में घर वाले परेशान है, रिस्क में बेबरकती है, परेशानियां है, टेंशन है, बीमारियां है, मोहल्ले में परेशानियां है, गांव में परेशानी है, इलाके में परेशानी है, खानदान में हर बंदा अजीबो गरीब दास्तान लेके बैठा है, कभी गौर करे परेशानियों का, रोना तो रो रहे इन परेशानियों के हल को करने की भी कोशिश कर रहे, कभी सोचे कितने ऐसे हैं जिन्होंने रिश्ते काटे हुए हैं। आज आखिरी बात है, हम बैठे हैं दुआ करने के लिए और दुआ करनी अल्लाह पाक की बारगाह में, जो मैंने रिवायत बयान की है अभी बैठे बैठे जो भी बैठे हैं अपने दिल में पुख्ता इरादा करें कि मैंने अपने जो भी किसी ने अगर मेरे साथ बुरा भी किया है, बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, अपना बच्चा है, इंशाल्लाह मैंने अल्लाह की रजा के उसको माफ किया और उसको जाके सीधे से लगा। कोई है जो अल्लाह के लिए एक दूसरे के हकूक माफ करके रिश्ते निभाएगा? कौन कौन माफ करके रिश्ते निभाएगा? और सुनो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह की रिजा के लिए, जो अल्लाह की रिजा के लिए अपने भाई के साथ आजजी इख्तियार करेगा अल्लाह पाक इसको इसके भाई को दाखिले जन्नत फरमा देगा। रिश्ते निभाने अपने रब की रिजा के लिए है, मैं आजजी कर रहा हूं इसके सामने झुक गया हूं, क्यों? इसलिए कि मेरा रब की रिजा इससे है, मेरा रब ये चाहता है इसलिए झुका हूं, तो आखिरी बात रब इसलिए मेरा रब राजी होता है। तो जितने बैठे हैं नियत कर ले जिसकी मां जिंदा है ना या जिसका बाप जिंदा है, ये तो वो है जिनको जिंदगी में हमने पता नहीं कितने दुख दिए हैं, कितनी तकलीफें दी हैं, इनसे तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप पता नहीं मैंने कभी आपको तकलीफ दी होगी, यकीनन इनको ना जाने अनजाने में जानबूझकर कितनी बार दुख दिए। एक बार जिसकी मां जिंदा जिसका बाप जिंदा है, मेरे फैसलाबाद से यहां आने का सफर मैं सुबह 7 बजे चला हूं और आपके शहर में 3:00 में पहुंचा हूं, मेरे सफर का मकसद मुझे मिल जाएगा, सिला मिल जाएगा, मैं समझूंगा क्या सिला कि आप सिर्फ ये मेरी नेकी की दावत को कबूल करके उठे कि मैं इंशाअल्लाह अपनी माँ जिंदा है तो माँ से माफी मांगूंगा, मेरा बाप जिंदा है तो इंशाअल्लाह एक बार बाप के सामने बैठूंगा, अब्बा जी जिंदगी से बड़े तमाम दिन गया एक बार कह दे मैंने माफ किया, क्यों कह रहा हूं बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, हम नमाज पढ़ रहे किस लिए मेरा अल्लाह राजी हो जाए, रोजा रख रहा हूं किस लिए मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मैं सकात दे रहा हूं मेरा अल्लाह राजी हो जाए, खैरात कर रहा हूं अल्लाह राजी हो जाए, काबे का तवाफ कर रहा हूं किस लिए अल्लाह राजी हो जाए, सफा मरवा की सही कर रहा हूं अल्लाह राजी हो जाए, मैं खैरात कर रहा हूं मेहनत मुशक्कत करके हलाल कमा रहा हूं मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मगर सारे अमल करने के बाद ये
किरारा भी उससे राजी नहीं है। पहले इस बात को राजी कर, क्यों? बास तो माल की मोहब्बत में मार जोड़ रहे होते हैं, अब अपने बाप की दवाई को पैसे नहीं देते, माँ की दवाई को पैसे नहीं देते, क्यों? अब्बा जी मैं मेहनत ना जोड़िया, मेरी मुशक्कत है। अपने माँ बाप को बचपन से लेकर जवानी तक तो अपने बाप को पैसों की मशीन बना के रखा, अपनी माँ को घर की नौकरानी बना के रखा, आज जब बूढ़े माँ बाप को किसके सहारे की जरूरत पड़े, अब ये अब्बा जी को यह कहते हैं कि अब्बा जी मेरी मेहनत है, अब्बा जी मेरी कमाई है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू और तेरा माल सब तेरे बाप की मिलकत है, तेरा बाप ना होता तो तू भी ना होता। जो कुछ हम है ना अपने माँ बाप बहन भाई के रिश्ते निभाने हैं, नियत करें माँ से माफी मांगेंगे, बाप से माफी मांगेंगे, जो जो रिश्तेदार अभी बैठे बिलखसूस रिश्तेदार हकुल्ला अल्लाह अपनी रहमत से माफ कर देता है, वो रहीम है, वो करीम है, वो रहमान है, वो बंदों के गुनाहों से अफ़्व दरगुज़र करने वाला है, वो आफ करना पसंद फरमाता है, वो गफ्फार है। मगर हकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ नहीं करता माफ नहीं होते। लिहाजा जितने रिश्तेदार बैठे हैं बिलखसूस, ये भी बात तवज्जो से सुनिएगा, वो बाप है या भाई है या कजन है या रिश्तेदार है या मरहूम ज़फरुल्लाह अत्तारी भाई के शागिर्दों में से कोई बैठा है, बड़ी तवज्जो से बात सुनिए मेरी। हकूकुल्लाह अल्लाह अपनी रहमत से माफ फरमा देगा। हकूकुल इबाद जब तक बंदा माफ नहीं करता माफ नहीं होते। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ दिल दिल से एक जुमला कहते हैं, दिल की गहराई से ज़हन में समाता और ज़बान से इकरार करते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी भर के सारे हकूक मरहूम ज़फरुल्लाह को माफ किए, मैंने अपनी जिंदगी के सारे हकूक मरहूम ज़फरुल्लाह को माफ किए। बाप है ये कह दे तो उसने अल्लाह की बार बारगाह से माफी का खजाना उसको मिल जाएगा। भाई है, भाई की तरफ से माफी मिली, रब के दरबार से उसे माफी का खजाना मिल जाएगा। कोई और जो भी बैठा है आज अपनी जबान से किसी को माफ करें, कल दूसरों से माफी का ऐलान आप सुनेंगे। सब जो रिश्तेदार हैं बिलखसूस और जो भी हैं, एक बार ये कहते मैंने जिंदगी के सारे हकूक ज़फरुल्लाह को माफ किए। आप अपने घरों में भी माफी का ऐलान करें, मिलजुल कर जिंदगी गुजारे। ये दावत इस्लामी है जो तबलीग कुरान और सुन्नत की आलम की तहरीर है। दावत इस्लामी चाहती ये है कि माशरे के अंदर अमन कायम हो, चाहती ये है कि दीन इस्लाम की तरवीज इशाअत हो, जहालत दूर हो, अल्लाह के दीन का फिजा आम हो। सहाबा अहले बैत की जिंदगी का एक अंदाज जो है वो उम्मत के सामने रखा जाए ताकि ये उम्मत जो है वो अल्लाह पाक की रिजा वाले आमाल में जिंदगी बसर कर सके। इसी की एक जीती जागती मिसाल आपके शहर के ये एक दिन के बच्चे थे जिसको आप आज मरहूम ज़फरुल्लाह भाई कह रहे हैं। ये ज़फरुल्लाह भाई आप देखिए जिंदगी कैसी गुजारी है, इनकी जिंदगी इनके इनके अंदाज बहुत सी वो बातें वो आप सबके सामने होंगी। मैं आपके सामने जो बैठा हूं तकरीबन 12 साल से मेरा इनके साथ वास्ता है, 12 साल से, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, तंजीमी हवाले से दीनी हवाले कुछ कहते हैं, अखलाकियात के हवाले से शिकायत होती है ना, बंदा झाड़ देता है, मार देता है, आगे लताड़ देता है, किसी के हक को पमाल कर देता है, कभी किसी हवाले से बद अखलाकी की कोई शिकायत, कोई ऐसे मामला के जो दूसरे के हकों की पमाली पर मुश्किल हो, कभी ऐसी कोई शिकायत आज तक नहीं है। मगर आज आप देखें जब जिंदगी गुजारी है, जाना सबने, कोई भी रहने के लिए नहीं आया, दुनिया में जो भी है दुनिया से जाने के लिए आया है, दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। आज तक इस दुनिया का जिस फिक्शन ने भी माना किया है ना, वो खत्म होने वाली, फिना होने वाली, मिट जाने वाली कहा है। ये दुनिया में जो भी आया है जाने के लिए आया है। अभी कहने सुना मौलाना रियाज कादरी साहब दामत बरकात को नालिया समझाने के लिए फरमाया करते, आप फरमाया करते गिना माफी ना हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर खाली जमी अंदर समाना है, तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पे, ये होगा एक दिन बेजान इसे कीड़ों ने खाना है। तू अपनी मौत को मत भूल, कल समान चलने का जमीन
शागिर्द और खुदा की याद से काफी करे दावा कि ये दुनिया मेरा दाखिल ठिकाना है। गुलाम इकदम न कर मफलत हयाती पर कहो दुर्रा खुदा की याद हर हर पल मिसरे का वाला। आज इस बंदगी के लिए आज हम दुआ के लिए जमा हुए हैं। इनकी जिंदगी देखें आप सबके सामने है। और आज मुझे बताया जा रहा था, कईयों ने बताया, आपने भी देखा होगा, कहा जाता है कि इस तहसील का अगर देखा जाए तो शायद सबसे बड़ा जनाजा होगा। और क्यों ना हो, कि आशी का जनाजा है, जरा धूम से निकले हजूर की इश्क की गली में घूम के निकले। और जब आशी का जनाजा होता है ना, तो फिर हर एक की कोशिश होती है कि मैं पहुंचू ताकि मेरी बख्शिश का समाप्त हो जाए। और मोहम्मद हुसैन भाई जफरुल्लाह भाई के बहुत क्लोज रहे, इनसे मेरी बात हुई कि कब्र में इन्होंने उतारा, मैंने पूछा कि कैसा था, इन्होंने बताया कि चेहरा मुस्कुराहट थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और फिर मुझे इमाम हसन बसरी जो ताबे गुजर थे उनकी बात याद आई, उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने फरमाया है बंदा खुदा तू जिंदगी तू जब दुनिया में आया था तो उस वक्त सब हंस रहे थे खुश हो रहे थे मुबारकबाद दी जा रही थी, मगर तू दुनिया में आया था जिंदगी ऐसी गुजारनी है ना, तो इन्होंने भी अच्छे माहौल को इख्तियार किया है। किसी ने कहा ना चंगे बंदे दी सो वत्यारो जिमे दुकान अतारा सोता फामे मुल्ला लिए ते हुल्ले आन हजारा ते मंदे बंदे दी सो वत्यारो जिमे दुकान लुभारा कपड़े फामे कुंज कुंज पहिए फेरी चिंदा पहन हजारा। और बाबा फरीद रहमान फरमाते हैं उठ फरीदा सुत्या मेला देखन जा, उठ फरीदा सुत्या मेला देखन जा, जे कोई बिंदा भी बख्शिया ते दो ही बख्शिया जा। ए गाफिल उठ अल्लाह वाले की नेक बंदों की संगत सोबत इख्तियार कर, क्यों कि अच्छे अच्छे संगत करे। तो दावत इस्लामी जिसके 4400 से ज्यादा मदरसे हैं, दावत इस्लामी जो हजार से ज्यादा जामियत और मदीना चला रही है, दावत इस्लामी जो 400,000 से ज्यादा एक कमर वक्त में बच्चों और बच्चियों को हाफिज कुरान बना रही है, दावत इस्लामी 86,000 उफाद और हाफिजा बना चुकी है, दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम के नाम पर 300 स्कूल चला रही है, दावत इस्लामी हजारों मस्जिदों का निजाम चला रही है। दावत इस्लामी का ये फैजान है कि जो इस मदनी माहौल में आ जाता है ना, वो हुजूर का सच्चा आशिक बन के जिंदगी बसर करना शुरू कर देता है। तो आपको भी दावत देता हूँ इस मौके पर अपने घर से एक बंदा मुबल्लिग बनाए। दावत इस्लाम का इज्तिमा होता है नूरपुर में बाबा रोशन शाह वाली मस्जिद में, तो जुमरात इज्तिमा में शामिल हुआ करे, जिस शहर से भी आप आए हर जुमरात को इज्तिमा में शामिल हुआ करे। दावत इस्लाम के काफिले सफर करते हैं, इन मदनी काफिलों में सफर इख्तियार फरमाए। इंशाल्लाह हमारी नीयत है 3-4-5 सितंबर इंशाअल्लाह अज़्ज़ल्लाह जफरुल्लाह अतारी भाई के सारे सवाब के लिए इंशाअल्लाह आपके इलाके से सैकड़ों इस्लामी भाई मदनी काफिलों में सफर करेंगे। आप भी मेहनत करें इनके सारे सवाब के लिए, इन मदनी काफिलों में सफर इख्तियार फरमाए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी इंशाल्लाह हमने पाक पढ़ा जाएगा फिर इंशाल्लाह। या अरहमर रहीम या अरहमर रहीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना हे मालिक हे परवरदिगार तिलावत कुरान पाक का सवाब जिक्र और दुरूद का सवाब जो अहबाब ने फातिहा शरीफ पढ़ी इसका सवाब और दीगर तमाम वाले और जिक्र और दुरूद का सवाब जो तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी ऐ अल्लाह पाक हमारे तमाम आमाल में पढ़ने कहने सुनने में कोई गलती हो तो अपनी रहमत से माफ। या अल्लाह पाक तमाम जिक्र दूध का सवाब तिलावत कुरान का सवाब मालिक करीम तेरी बारगाह में आलीशान में पेश करते हैं तो कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक इन तमाम आमाल का सवाब तिलावत का सवाब जिक्र दूध का सवाब तमाम
ही अब्बाब ने जो फातिहा शरीफ पढ़ी इसका सवाब ऐवानी था। तो हमारे पढ़े के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान शान प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अता फरमा। हुजूर नबी रहमत शफीक उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला से तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला से तमाम उम्महातुल मोमिनीन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम अहले बैत उज़्ज़ा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम सहाबा सहाबियात को पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस खुलफ़ाए राशिदीन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम शहदा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस शहदाए करबला को पेश करते हैं, कबूल फरमा। शहदाए उहद को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह करीम तमाम ज़िक्र दुरूद का सवाब, तिलावत कुरान का सवाब प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीला से तमाम ताबईन तबा ताबईन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम औले कामलीन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। खुसूसन बिलखुसूस पीराने पीर रोशन समीर फुकद सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी अली रहमा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अल्लाह पाक तमाम ज़िक्र दुरूद का सवाब, तिलावत कुरान का सवाब ए मालिक प्यारे नबी के वसीला से तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह पाक हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने मुसलमान दुनिया में आ चुके जा चुके क्या अब तक आएंगे, अल्लाह तमाम की अरवाह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह पाक प्यारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से इन तमाम आमाल का सवाब, ज़िक्र दुरूद का सवाब, तिलावत कुरान का सवाब प्यारे नबी के अहले बैत के तुफैल सहाबा के सदके में मरहूम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह अर्दारी की रूह को इसाल करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह पाक बात काज़े बादशरिया तुमसे जिंदगी भर में जो जो गलतियां कोताहियां खताएं हुई हैं अल्लाह तो सारी जिंदगी के सगीरा कबीरा ज़ाहरी बातनी सारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह तो गफूर है मुआफ़ करने वाला है, या अल्लाह तो गफ़ार है अफ़्व दरगुज़र करने वाला है, या अल्लाह तो रहीम है रहम करने वाला है, या अल्लाह तो रहमान है बंदों पर सबसे बढ़कर मेहरबान है। ए मालिक करीम हम तेरे बंदे हैं, मौला तेरे बंदे हैं, ए अल्लाह तेरे बंदे होकर तेरे ही बंदे के लिए बख्शिश के सवाली बने हाथ उठाए हाजिर हैं, ए अल्लाह ए मालिक करीम तुझे तेरे लुत्फ व करम का वासिता, या अल्लाह तुझे तेरी रहमत कामिला का वासिता, या अल्लाह तुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नबूवत वाले हाथों का वासिता, ए अल्लाह हुजूर के अहले बैत पाक का वास्ता, अल्लाह हमारे मरहूम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह अर्दारी की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह करीम उनकी आखिरत की मंजिल आसान फरमा दे। या अल्लाह हमारे मरहूम ज़फ़रुल्लाह अर्दारी भाई की कब्र नूर आला नूर फरमा दे। या अल्लाह का कफन जन्नती बिस्तर में तब्दील फरमा दे। ए अल्लाह ए मालिक करीम आज उनकी कब्र का पहला दिन गुजर गया, ए अल्लाह ए मालिक रात पहली रात थी, या अल्लाह ए पाक परवरदिगार हमने सुन रखा है तेरे नेक बंदों की कब्र जो है वो जन्नत के बागों में से बाग होती है, या अल्लाह तुझे तेरे नेक बंदों का वासिता, ए मालिक तुझे तेरे बंदियों का वासिता, ए अल्लाह तुझे तेरे महबूब के अहले बैत और सहाबा का वासिता, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ए अल्लाह नबूवत वाले हाथ जो उम्मत के गम में उठे, ए अल्लाह उम्मत की मोहब्बत के लिए दुआएं करने में उठे, या अल्लाह उन हाथों का वास्ता, ए अल्लाह हमारे मरहूम ज़फ़रुल्लाह भाई की कब्र नूर आला नूर फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्र हद्दे नजर तक वसी फरमा दे। या अल्लाह उनकी कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों से रोशन फरमा दे। या अल्लाह तुझे तेरे लुत्फ़ो करम का वासिता हमारे मुबल्लिग़े दावत इस्लामी मरहूम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह अर्दारी को, अल्लाह क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबा और हम्द के साए में उठना नसीब फरमा। या अल्लाह
जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह पाक, जितनी दुआएं हमने अता की हैं, जो जो हाथ उठाए बैठे हैं, इनमें से जिन जिन के वालिदैन दोनों या एक या खानदान में से जिनका इंतकाल हो गया, जिनका खातिमा ईमान पर हुआ, अल्लाह पाक उन सब के हक में हमारी ये दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह पाक ए मालिक करीम, ए परवरदिगार, अपने जिंदगी का वक्त पूरा करके चले गए, ऐ अल्लाह, ऐ मालिक, तूने हमें जिंदगी की ये मोहलत अता फरमाई है, ऐ परवरदिगार, हमें अपनी जिंदगी तेरी रिजा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें भी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें भी नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें भी जिंदगी भर नमाजें पांच वक्त बाजमान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें रोजाना कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें रोजाना प्यारे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अपने बहन भाइयों के साथ उससे सुलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इमान दुरुस्त शरीयत व सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमा। मालिक करीम, जितने भी लवाहिकीन हैं अल्लाह, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वालिदैन, बहन भाई, बच्चे, सबको अल्लाह इस सदमे पर सब्र जमील अता फरमा। सबको सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमा। ए मालिक करीम, ए परवरदिगार, तुझे तेरे लुत्फ व करम का वासिता मौला, हमें मांगना भी नहीं आता है परवरदिगार, तुझे तेरी रहमत का वासिता मौला, अपने लुत्फ व करम से अल्लाह हमें बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह करीम, जो मांग सके हैं, जो हमारे हक में बेहतर है, वो भी अता फरमा। जो नहीं मांग सके, बिन मांगे अपनी रहमत से ऐ अल्लाह अपने करम से हमें अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कहते रहते हैं दुआ के वासिते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेहसो मजबूर की। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, नजरों के सामने हो जलवाए रसूलुल्लाह, और लब पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ है, हमारे भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, सब आप लोग जानते हैं
उन्होंने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है। जहाँ तक हम सब को भी रूस से तमाम सब की शरीयत मुताबिक मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खुदाया घर के बनी फातिमा के घर को लगी माँ बनी फातिमा अगर दावत अमरतुनी अनुकूल मनो दस्तुदा माँ जहाँ ज्यादा करीम उनके वालदैन को सब्र जमील अता फरमा। बच्चों को सब्र जमील अता फरमा। उनके घर के अंदर खैर और बरकत अता फरमा। اللهم ربنا تقبل صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه।